हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट ग्रामर। गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए हमें सिर्फ सेंस की ज़रूरत होती है, ना कि टेंस की। जैसे कि मैं एक एक वर्ड्स आपको अभी बता रहा हूँ, इनको ध्यान से आप समझते जाना और फिर देखेंगे कि विद इन 2 मिनट्स आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। लाइक दैट, इज मीन्स होता है, आर हैं, आर मीन्स हैं और एम मीन्स हूँ। गाइस, इसके बाद बात आती है वर्ब्स की। वर्ब्स मीन्स होती हैं जो जैसे क्रिया, जैसे हम क्रिया बोल सकते हैं जिस काम को हम करते हैं, करने के मूवमेंट को, करने की एक्शन को, कोई भी काम हम जो भी करते हैं वो उसे एक वर्ड का नाम दिया जाता है और वही वर्ड वर्ब्स होती हैं और वर्ब में चेंजिंग होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम। आज बात करते हैं रनिंग टाइम की। जो भी काम अभी हम कर रहे होते हैं या हम करते हुए बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तब वर्ब में आईएनजी लगाना है। कोई भी वर्ब हो, सभी में आईएनजी यूज करके आपको बोलना है। लाइक दैट, आप अपने आप को आई बोलते हैं। कोई भी हो, अपने आप को आई बोला जाता है। यदि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो उसको यू बोला जाता है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम या आप, ही मीन्स वह है और सी मीन्स भी वह होता है जो कि गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है, और इट किसी जीव जंतु, पक्षी, जानवर या नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, और दे मीन्स होता है वे। किसी का नाम भी आप यूज़ करते तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। गाइस, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर और ही सी नेम इट के साथ इज का यूज़ किया जाएगा और वर्ब में आई एन जी का यूज़ किया जाएगा। गाइस, ए रहा इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो भी कार्य के बारे में बताया जाए उसको आप लास्ट में इंक्लूड करेंगे। ओके गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई बोलूँगा, और आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है तो आप आई के बाद एम बोलेंगे, आई एम। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी काम को करने की, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग वीडियो। समझ में आ गया है, खुद को पहले बोलना है और जिस काम को कर रहे हैं उसको लास्ट में बोलना है, और आई के साथ एम, क्योंकि आई के साथ ही इंक्लूड होता है, टच होता है, ऐड होता है, तो आई के साथ एम बोल देंगे, बाकी बचा वर्ब का काम। तो आई एम शूटिंग और लास्ट में जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप बोल देंगे, आई एम शूटिंग वीडियो। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी। ड्रिंक की जगह पर आप टेक का यूज़ कर सकते हैं, तब भी आप टेकिंग यूज़ करेंगे, आई एम टेकिंग टी। तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर, यू के साथ आर का यूज़ करेंगे, तुम देख रहे हो तो यू आर हो, यहाँ पर आर मीन्स हैं होता है, हो भी होता है, अकॉर्डिंग टू पर्सन सेंस बदल जाता है। तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। सीता खाना बना रही है, सीता इज मेकिंग फूड। सलमान डांस कर रहा है, सलमान इज डांसिंग। वे खेत जोत रहे हैं, दे आर प्लोइंग फील्ड। किसान खेत जोत रहा है, फार्मर इज प्लोइंग फील्ड। ड्राइवर कार चला रहा है, ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। पापा ऑफिस जा रहे हैं, फादर इज गोइंग टू ऑफिस। तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। हम वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग द वर्क। ट्रैक्टर रोड पर दौड़ रहा है या चल रहा है, ट्रैक्टर इज रनिंग ऑन द रोड। गाइज, ये बात थी सिंपल, जो भी काम हो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। यदि हमें मना करना है तब आप तीसरे नंबर पर नॉट का यूज़ करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम बनेगा। जैसे मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। वह यहाँ नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग हेयर।
राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सचिन खाना नहीं खा रहा है। सचिन इज नॉट ईटिंग फूड। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सर मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। सर इज नॉट टीचिंग मी। मम्मी खाना नहीं बना रही हैं। मदर इज नॉट मेकिंग फूड। आज पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं। फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। हम वर्क नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग वर्क। गाइज यदि आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के लिए आप इस आरएम को पहले लाएंगे। जिसके साथ आप क्वेश्चन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस आर या एम का यूज किया जाएगा। जैसे क्या तुम क्लास ज्वाइन कर रहे हो। आर यू ज्वाइनिंग द क्लास। क्या हुआ है फॉर्म सबमिट कर रही है। इज सी सबमिटिंग द फॉर्म। क्या मम्मी खाना सर्व कर रही हैं। इज मदर सर्विंग द फूड। सर मीन्स होता परोसना या किसी को खाना देना। क्या पापा आज मार्केट जा रहे हैं। इज फादर गोइंग टू मार्केट टुडे। क्या हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं। आर वी गोइंग ऑन पिकनिक। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। गाइस इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। खुद के लिए करना है तब भी आप कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपको डांट रहा हूँ। एम आई स्कॉल्डिंग यू। क्या तुम उसे बुला रहे हो। आर यू कॉलिंग हर। गाइस आज हवा बहुत तेज है जिस वजह से थोड़ा आवाज़ में डिफरेंस लग रहा होगा। गाइस इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बना सकते हैं और जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। गाइस ये रहे आपके लिए कुछ सेंटेंस। इनकी इंग्लिश बनाकर आप कमेंट में ज़रूर लिख कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय।